जो कि एनआईए की टीम आई थी 5:30 बजे ना हमारे यहाँ यहाँ, लगता उन्होंने यार। सुबह सुबह आकर के दस्तक दी, हम लोगों ने गेट खोल दिया। बाद में पता चल रहा है कि एनआईए की टीम है, और बहुत सर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मामला है, कि हमें शक है कि आप माओवादियों लोगों के संपर्क में हैं। तो अब ये सोचे, हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग 27 तारीख को, अगर आप लोग मीडिया लोगों को पता होगा, 27 अगस्त को ही हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको नक्सली बोला जा रहा है, या मुसलमान है तो उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, और हर जगह जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। और आज देखें कि एक हफ्ते बाद तुरंत हमारे यहाँ, एक हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ ही हमारे यहाँ 3 राज्यों के एनआईए आ रही है। तो ये साफ समझ में आता है कि जो मोदी सरकार की लोगों को डराने की पॉलिसी है, कि लोग जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो बोले ना, इसीलिए तमाम तरीके के इतने सारे जो अधिकारी लोग आए हुए हैं, 3 राज्य की एनआईए आई हुई। तो हमारा सीधा संबंध है कि एक पूरी तरह से सरकार का डराने का प्रयास है, कि जो भी लोग, अभी एक तो चुनाव का माहौल आ रहा है, अभी चुनाव शुरू होने वाला है, वो चाहते हैं कि जो भी विरोधी हैं सरकार के वो खत्म हो जाए, डर जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। कितने ही लोगों को फर्जी आरोपों में माओवादी बोल करके अभी तक जेल में रखा गया, 5-5 साल से लोग, सुधा भारद्वाज से लेकर के स्टेन स्वामी लेकर वर्जन गुलजालवी से लोग, सब लोग, इन लोगों को जेलों में रख के प्रताड़ित किया गया। तो यही चाहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ बोले ना, कोई भी जो दमन हो रहा है, जो कॉरपोरेट के हित में जो दमन हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोले ना। हम लोग का संगठन जो भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा, एक स्वतंत्र संगठन है, वो बीएचयू में काम करता है, और जितने भी मसले हैं समाज के जुड़े हुए, जो छात्रों के हित में, जो स्टूडेंट्स के हित में, या जो पूरे ओवरऑल सोसाइटी के हित में, उसके लिए लगातार हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो, चाहे लाइब्रेरी का मामला हो, चाहे और तमाम जो मामले होंगे, उसको लेकर के हम लोग लगातार एक्टिव रहते हैं कैंपस में। कितने घंटे पूछताछ की आपसे? लगभग 5:30 से 5:30, 12:30 नहीं 12:30 नहीं 1 बजे तक, लगभग 1:15 तक पूरा चला। उन्होंने लगा हमारे पूरे सामानों को तहस नहस कर दिया, हमारे पूरे एक एक किताबों को, एक एक डायरी, एक एक पन्नों को। अच्छा, कुछ ले भी गए कमरे से आपके? हमारी जो मैगजीन है, जो हमारे संगठन के अखबार है मशाल, उसको ले गए। दस्तक जो मैगजीन निकलती है इलाहाबाद से, जिसको अवेलेबल है हर जगह, ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग कुछ छुपा के करते हैं, वो सब हर जगह अवेलेबल है आपसे। हाँ, मतलब ऐसे ही पैम्फलेट या मशाल या दस्तक, इस तरह की जो पर्चे वगैरह, कुछ पर्चे जो सामान में हम लोग बांटते हैं, वही सब उठा के ले गए। मोबाइल वगैरह की भी तलाशी ली गई? हाँ, मोबाइल की तलाशी ली गई है, लैपटॉप की तलाशी ली गई है, और मेरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। अच्छा, आपकी मोबाइल को जब्त? हाँ, मेरा मोबाइल, 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड जब्त कर लिया गया। हमारे लैपटॉप की पूरी तरह से तलाशी ली गई है, और मुझे 12 तारीख को लखनऊ में एनआईए के ब्रांच पे हाजिर होने को बोला गया, नोटिस दिया। अच्छा, कुल कितने सदस्य थे? और नोटिस की कॉपी है क्या आपके पास? तो जैसा एक मिनट उसको दिखाएंगे, हम आपको भेज देंगे। तो ये मतलब कई लोग थे, एक रश्मि शुक्ला नाम के एनआईए की जो लखनऊ ब्रांच की थी, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे उनकी वो थी। फिर झारखंड से, रांची से एनआईए की टीम के एक व्यक्ति थे, बिहार से पटना के एक टीम के व्यक्ति थे, और उसके अलावा करीब करीब 2 महिला SI, 4-5 पुरुष SI होंगे, और उसके अलावा 7-8 महिला कांस्टेबल लोग थे, और उसके अलावा बहुत सारे पुरुष जो अधिकारी लोग, दर्जन से ज्यादा लोग थे, करीब आराम से 25-30 के साथ। यहाँ पे कौन कौन रहता है? हम, सिद्धि, और एक हमारी दोस्त है इप्सिता, संगठन की सेक्रेटरी है, वो रहती है, वो अभी आज थी नहीं यहाँ पे, वो घर गई। हम लोग तीनों लोग बीएचयू के स्टूडेंट है। यहाँ पढ़ाई मेरी एमफिल की पढ़ाई यहाँ से चल रही है, अभी मास्टर्स सोशियोलॉजी चल रहा है। तो हम लोग तीनों ही लोग बीएचयू में पढ़ रहे हैं। पार्टनर है इप्सिता, वो एमएस साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, वो अभी घर गई हुई है, और हम लोग तीनों लोग बीएचयू में पढ़ाई। बेसिकली आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा तो घर झारखंड है, और ये यहीं यूपी की है, और इप्सिता जो है वो दिल्ली की। झारखंड में कहाँ पे? गिरिडीह जिला। और आप कहाँ पे? चौका घाट, बनारस की है लोकल। तो मतलब बेसिकली हमारा यही मानना है कि जो विरोधियों को डराने की साजिश है तमाम तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप देखिए कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, चाहे जो भी, अगर सामान्य लोग संगठन बना के जो भी जनता के हित में बोलना चाह रहा है और सत्ता के खिलाफ बोलना चाह रहा है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जा रहा है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। मतलब ये सोचिए कि स्टूडेंट संगठन को सर्च करने के लिए 3-3 राज्य की एनआईए की टीम आ रही है, तो शर्मनाक बात है। बहुत कि स्टूडेंटों से आपको डर क्या है, संगठन के सामान्य लोग हैं। फिर आज के बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? भगत सिंह मोर्चा क्या करने जा रहे हैं? हम तो सबसे पहले इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम उनको चेतावनी देते हैं कि आप हमको डरा नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े अधिकारी लेकर के, तमाम पुलिस और अधिकारियों को लेकर के, आप 25-30 की संख्या में हो, 100 की संख्या में हो, हमें हमेशा डरने नहीं वाले हैं। हम लोग हमेशा जनता समाज की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, जनता की बेहतरी कर रहे हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और ये काम
बहुत पुराने सालों से चला रहा है और हम लोग भी आगे करते रहेंगे। अच्छा, इस बीच आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और परिवार की तरफ से आपका क्या? अब तो वो देखा जाएगा, अब वो सामान्य है कि उनका यही साजिश होता है कि आप परिवार पे दबाव बनाओ या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे दबाव बनाओ, पूरा माहौल पूरे मोहल्ले में खराब कर दो ताकि इनको कोई रूम ना दे। तमाम तरीके चलते हैं, जो भी बातचीत हो रही है तो हम देखेंगे हम क्या करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि हम डरने वाले नहीं हैं।